जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मंजू सोनी भजन माला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए दादरा ताल ढोलक का वीडियो लेकर के आई हूं, जो कि मैं बहुत ही आसान बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताने वाली हूं। और बस आप लोग को मन लगाकर प्रैक्टिस करनी है और एक घंटे का समय आप लोग को ढोलक में देना है, फिर देखिए आप लोग को कैसे ढोलक आती है। तो ये मैं आपको 1 से 6 तक की गिनती में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा बड़ा भाग है ढोलक का, इसको हम बेस बोलते हैं, जहां पर हम धपाक लगाते हैं। तो ये हम ऊपर मारते तो ये खुला बेस है, बीच में मारते बंद बेस, खुला बेस बंद बेस, खुला बेस बंद बेस, और इतना ही भाग लेते हैं हम। देखिए इतना भाग ऐसे, और बिल्कुल हल्का हाथ, जैसे हम किसी का दरवाजा नॉक करते हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये खुला बेस है, ये बंद बेस, खुला बेस बंद बेस। अब ये हमारा छोटा वाला भाग चाटी कहलाता है, जहां पर हम उंगलियां चलाते हैं। तो ये 3 उंगली हम ऊपर लेंगे, सिंगल नीचे लेंगे, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, और इतनी ही उंगली उठती रहिए, ये उंगली का पोर, ये ऐसे, और ऊपर ही मारेंगे हम। देखिए इस तरह से 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे। अब ये ढोलक 1 से 6 तक की गिनती में है, तो जिस लय से मैं गिनती बोल रही हूँ उसी लय में आप लोग को गिनती भी बोलनी है, और उसी लय में आपको अपने हाथ भी चलाने हैं। तो कैसी है लय देखिए, आप अच्छे से दिमाग में उसको बैठा लीजिए लय को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3, 3 पर हम हल्का सा रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे लेंगे देखिए, 1 2 3 हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, 1 2 3 हमारा पूरा चाटी में आएगा। देखिए 1 1 में ये 3 उंगली हम ऊपर लेंगे ऐसे, 1 2 3, 1 में 3 उंगली ऊपर, 2 में सिंगल उंगली नीचे, 3 में फिर 3 उंगली ऊपर। तो लय कैसी हमारी, 1 2 3, 1 2 3, इस लय में हमको लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब 4 5 6 कैसा, देखिए 4 में हम चाटी में भी लेंगे और खुला बेस भी लेंगे, 4 हमारा दोनों में आएगा कैसे, 4 4। 5 में सिंगल उंगली नीचे, 5 4 5। 6 में चाटी में भी बेस में भी, 6 4 5 6 4 5 6। तो देखिए कैसे यहां पर मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा समझिए बेस है, कैसे लेंगे हम देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब लय में लेंगे हम तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये हमारा आएगा। अब देखिए मैं आपको बजा के बताती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेस में हमारा 4 और 6 में आएगा, देखिए कैसे यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आएगा। अब दोनों मिला के देखिए फिर से बजा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे तेज करूंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो यह हमारा 4 और 6 में बज रहा है। एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से बजेगी। अब इसमें मैं आपको एक तुलसा मैया का बहुत ही प्यारा भजन गा के बता रही हूँ, तो आप लोग भजन भी सीखिए और उसमें ढोलक बजाना भी सीखिए। ये वाली देखिए कैसे है। और इसमें मैं थपकी वही लगेगी जो मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये गाना जो कि धीमा है, तो इसमें हम कैसे एक थपकी मैं आपको और बता रही हूँ। देखिये, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, ये थपकी इसमें लगेगी क्योंकि ये धीमा गाना है। तो देखिए पहले हम कैसे बजाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जब हम ये ढोलक बजाएंगे, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमको सिर्फ एक बार पहले बेस घुमाना है, ऐसे देखिए। जब स्टार्ट करेंगे कैसे देखिए, कैसे देखिए, जब हमने ढोलक स्टार्ट की तो पहले हम एक ऐसे बेस में मारेंगे, फिर उसके बाद हमारी 1 2 3 4 5 6, कैसे, फिर से समझिए। ये देखिए, एक बार हमने यहाँ मारा, ऐसे ये मारा, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम स्टार्ट करेंगे शुरू में, तो एक बार हमको खुला बेस लेना है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ये मारा हमने खुला बेस, जब हम ढोलक स्टार्ट करेंगे तो कैसे देखिए, तो इस तरह से बजाना है हमको। अब देखिए मैं भजन में आपको लगा के बताती हूँ। आज तुलसा की शादी हमारे
जब हम स्टार्ट करेंगे तब सिर्फ एक बार हमको खुला बेस लेना है। ऐसे देखिए, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह, इस तरह से आप बजाइए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।